तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 ओरियो बिस्किट, जिसको मैंने अभी निकाल दिया है। और मैं अब इन बिस्किट से क्रीम अलग कर रही हूँ चाकू से, आप भी ऐसे ही कर दीजिए। मैंने अलग कर दिया है क्रीम को और बिस्किट्स को। अब मैं इस बिस्किट्स को ग्राइंडर जार में डाल के इसको फाइन पाउडर कर दूंगी। तो मैंने डाल दिया है और मैंने इसको पाउडर भी बना दिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दूध डालूंगी। इसमें शक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर है। तो अब मैं इन दूध को डाल के इसको डो बनाऊंगी। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और दूध डाल दीजिए। इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं है और चीनी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको धीरे से गूंदूंगी। इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए ये हमारा बहुत ही चिकना डो बन चुका है। तो अब मैं इसको रख दूंगी ढक के। अब जो मैंने क्रीम लिया था उसमें हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, पिस्ता और बादाम और नारियल के बुरादे। आप ये ले सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं ये सब डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मैं गूंद के एक डो बना लूंगी। पतला सा डो बनाऊंगी मैं इसको। आप चाहे तो सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, ये भी ऑप्शनल है। मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया था। आपको जो कलर चाहिए आप उसमें ऐड कर दीजिए या फिर वाइट ही रखिए। अब मैंने एक क्लिंग रैप लिया है। आप इसके बदले पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं या फिर एल्युमिनियम फॉयल। मैं इसको थोड़ा सा ऑयल में ग्रीस कर रही हूँ, ये ज़रूरी है। इसको पूरी तरह से ग्रीस करना है। ये हो जाने के बाद हम इसमें जो बिस्किट का डो था वो हम रख देंगे और इसको हाथों से पहले दबा लेंगे अच्छे से। इसमें क्रैक्स आ जाएंगे पर कोई बात नहीं, ये बाद में सेट हो जाएगा। तो मैं इसको पहले हाथों से दबा रही हूँ, फिर मैं इसके ऊपर एक और क्लिंग रैप रख दूँगी। आपके पास ये नहीं है तो आप प्लास्टिक कवर भी ले सकते हैं। अब मैं इसको बेलन से धीरे से रोल करूँगी। इसको हल्के हाथों से ही रोल करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। तो मैं इसको धीरे धीरे रोल कर रही हूँ। मैं इसको एकदम फ्लैट कर दूंगी। तो मैंने इसको फ्लैट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से हो गया है सेट। तो मैं इस कवर को निकाल दे रही हूँ ऊपर से। अब हम इसमें वो मिश्रण डालेंगे जो हमने तैयार किया था, ड्राई फ्रूट्स का और क्रीम का। इसको अच्छे से फैला लेंगे हम बिस्किट के ये रोल में। मैं इसको पूरी तरह से चारों तरफ फैला रही हूँ। और अब इसको रोल करना शुरू करेंगे। तो नीचे से कवर को उठा के बिस्किट के लेयर को पहले ऊपर रखेंगे। इसको बहुत ही धीरे से और सावधानी से करना पड़ेगा। और कवर को ऊपर की तरफ लेकर रोल को आगे झुकाएंगे, फिर इसको पीछे खींचेंगे। ऐसे करते करते हम इसको रोल करेंगे और बीच बीच में इसको सेट भी करते जाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब इसको बहुत ही धीरे से करना, इसको फिर पीछे से खींचेंगे और सेट करेंगे। मैं फिर से रोल कर रही हूँ, बस ये लास्ट बार करना है रोल। तो मैंने लास्ट कर दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी इसी क्लिंग रैप से। इसको हल्के हाथों से ही रोल करना है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब मैं इसको दोनों तरफ से लॉक कर दूंगी ताकि
ताकि इसमें हवा ना जाए। और अब इसको एक प्लेट में निकालूंगी और मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो अब 2 घंटे हो गए हैं और हमारा रोल बिल्कुल सेट है। मैं इसको खोल देती हूँ इस रैप को और इसको कट कर लेती हूँ पीसेस में। तो ये देखिए हमारी रोल अब बनकर तैयार है। आप इसको और भी अच्छे से बनाएंगे तो और भी ये शेप में आएगी। मैं थोड़ी जल्दी में बनाई तो थोड़ा शेप बिगड़ गया, पर कोई बात नहीं, ये टेस्ट में वैसा ही है। इस मिठाई को बनाने में बस हमें एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है ओरियो बिस्किट। और जो बाकी मैंने डाला है वो सब ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए वरना ऐसे ही बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल अच्छे से बनाएगा। तो आप इसे ज़रूर रक्षाबंधन में बनाइए अपने भाई के लिए और मुझे बताइए ये कैसी बनी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।